Hello and welcome everyone. I am Trupti and you are watching NPC Neva Physics classes. So बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मैनी थिंग्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ओके बट यस लास्ट ईयर टू टॉपिक्स जो हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये दोनों टॉपिक्स आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं सो ये दोनों टॉपिक्स हम इस चैनल पर बाद में अपलोड करेंगे. फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट करना होगा. ओके तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले होते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑस्टेड्स इफेक्ट. ओके लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम मैग्नेट की डेफिनेशन मैग्नेट क्या होता है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मैग्नेट के जनरली यूजेस क्या होते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो है हम ऐसे डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. जैसे आपकी साइंस लैब में बार मैग्नेट यूज़ करते हैं. ओके बार मैग्नेट किस लिए यूज़ होता है. बार मैग्नेट आपको डायरेक्शन इंडिकेट करता है. ओके डायरेक्शन को जानने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. एंड रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट का यूज़ होता है. टेलीविज़न में होता है रेडियो में होता है इलेक्ट्रिक बेल में होता है इलेक्ट्रिक डोर लॉक में होता है. इवन आप जो ईयरफोन्स हेडफोन्स यूज़ करते हैं उनमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है और ये होता क्या है मैग्नेट इसको समझने के लिए ही हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे. ओके तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन. जनरली आपने देखा होगा कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अपने जैसे और अदर मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. ओके मैग्नेट सिंपली एक मटेरियल है और जो अपने जैसे दूसरे मटेरियल्स को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है. ओके अट्रैक्शन और रिपल्शन. अब बात करें कि नेचर में ऐसी कोई मटेरियल है ऐसा कोई मटेरियल है जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो यस नेचर में एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका नाम है लोडस्टोन. लोडस्टोन जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें सभी प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की होती है. ये अट्रैक्ट भी करता है रिपेल भी करता है अदर एलिमेंट्स को अदर सब्सटेंसेस को. ओके तो अब आप देखें कि कुछ सब्सटेंस है लाइक आयरन कोबाल्ट निकल ये ऐसे स्पेशल एलिमेंट जिनको लोडस्टोन अट्रैक्ट करता है. ओके ये जो हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट है ये आयरन कोबाल्ट एंड निकल इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है. और ये जो एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी खास जगह है इनकी. आयरन कोबाल्ट और निकल ये थ्री एलिमेंट्स अगर आप कोई भी मैग्नेट बना रहे हैं तो उस मैग्नेट को बनाने के लिए इन तीनों से कम आपको एक एलिमेंट का यूज़ करना होगा तभी आपका मैग्नेट जनरेट होगा अदरवाइज़ वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा. ओके एंड यस एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आयरन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका हम मोस्टली यूज़ करते हैं. ओके अब बात करें कि ऐसा क्या है मैग्नेटिक मटेरियल में जो कि इतने सारे यूजेस हैं जिसके डेली लाइफ में हमारे तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं. ओके सिंपली अगर आप एक मैग्नेट लें या फिर मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं बार मैग्नेट. ओके तो वही आप
ले ले और उस मैग्नेट को क्या करें, एक आयन फाइलिंग्स में डिप कर दें। क्या करें, काफ़ी सारे आयन फाइलिंग्स हैं उसमें डिप कर दें, तो क्या होगा कि मैग्नेट के टू पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आयन फाइलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिपक जाएंगी, क्लिंग हो जाएंगी। तो ये चिपकना, आयन फाइलिंग्स का मैग्नेट पर चिपकना, जिस पॉइंट पर वो क्लिंग होगी उस पॉइंट को बोलते हैं पोल्स। ओके, उन पॉइंट्स को, उन टू पॉइंट्स को हमने बोला है पोल्स। और जनरली पोल्स को एन एंड एस, नॉर्थ एंड साउथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करें, अगर आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को आपने स्प्लिट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में या टू पार्ट्स में, तो क्या होगा, इसके पोल्स सेपरेट हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो आंसर है, कभी नहीं हो सकते। आप मैग्नेट को कितना भी कट कर लो, कितना भी उसको स्प्लिट कर लो, उसके जो पोल्स है वो कभी सेपरेट नहीं होते। मीन्स अगर आपने इस बड़े वाले मैग्नेट को स्प्लिट किया और टू मैग्नेट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये खुद एक मैग्नेटिक पेयर बना लेगा। ओके, एन एंड एस, तो ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। अदर प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर आप सिंपली एक मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, और उसे फ्रीली आप सस्पेंड कर दीजिए, तो क्या होगा कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगी, ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो वो ऐसा इसलिए होगा कि अर्थ की जो जियोग्राफिकल डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर होता है। अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ होगा और अर्थ का साउथ मैग्नेट का साउथ होगा, बिकॉज अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये सारी चीज़ें अर्थ के रिस्पेक्ट में, मैग्नेट, तो वो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। बट अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए अर्थ का जो नॉर्थ होगा वही हम सस्पेंड जो मैग्नेट करेंगे उसका नॉर्थ होगा, और अर्थ का जो साउथ होगा वो मैग्नेट का साउथ होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर आप टू मैग्नेट्स ले लें, और इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, तो क्या होगा कि जो डिफरेंट पोल्स हैं या अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स उस उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और सेम अगर पोल हैं और उन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, तो वो दोनों रिपेल्सिव फोर्स जनरेट करेगी एक दूसरे पर। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सिंपली, अब हमने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जो चार्जेस हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सेम वैसा ही है, जनरली जो हमारे चार्जेस होते हैं उनमें भी माइनर मैग्नेट होता है, कह सकते हैं हम उनमें भी माइनर मैग्नेटिज्म होता है। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस, मीन्स अगर आप मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक मटेरियल या अदर जो मैग्नेट ही ले लें, तो इससे अगर आप एक डिस्टेंस पे रखेंगे तब तो ये टू फोर्सेस क्रिएट करेगी, रिपेल्सिव फोर्स भी और अट्रैक्टिव फोर्स भी। बट धीरे धीरे जब हम इसे कुछ डिस्टेंस पर ले जाएंगे, धीरे धीरे इसे दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इट मीन्स मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म मीन्स मैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, जो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स इफ वी इंक्रीजेस मैग्नेट या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये जनरल है, ये आपको जानना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में नहीं आती है। एग्ज़ाम में जो आता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड,
ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो जनरल चीज़ें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लिया आपने, और उसके अराउंड आपने आयन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम तो वो फाइलिंग्स जो है वो मूव करेगी, मूवमेंट करेगी, बट कुछ टाइम के बाद वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉटेड जो हमने डायग्राम के थ्रू बनाया है, ये आयन फाइलिंग्स है। ओके, तो ये जो आयन फाइलिंग्स है ये एक पैटर्न में क्यों अरेंज होती है? क्योंकि ये मैग्नेट जो है वो आयन फाइलिंग्स पर फोर्स एग्जर्ट करता है, इस पर फोर्स लगाता है, जिसके थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस ले लेती है। वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और जो फोर्स, जितना फोर्स उस पे लगा है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन अपना ले लेती है। तो ये क्या है, अगर आप आयन फाइलिंग्स को, एक ऐसा फील्ड आता है, एक ऐसा रीजन आता है कि जहां पर आयन फाइलिंग्स जो हैं वो इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उस पे। ओके, सपोज यहाँ पे आयन फाइलिंग्स रखा हुआ है और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट और आयन फाइलिंग्स, एक फील्ड इसकी फील्ड से बाहर चला गया, अब ये कोई फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा इस फाइलिंग्स पे। ओके, तो वो जो फील्ड जिस पर मैग्नेट का एक इन्फ्लुएंस होता है अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का, वो फील्ड, वो जोन ही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, तो सिंपल अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ओके, मैग्नेट जो है वो फोर्स क्रिएट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है अदर पार्टिकल्स पर। ओके, एंड इस सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है। बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड के एक स्टेप अगर आप आगे जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे आपको। सिंपली अगर बात करें तो आपके जो भी स्प्रेड की, जो आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड किए गए अराउंड द मैग्नेट, ओके, उन फाइलिंग्स को जो पैटर्न में अरेंज हुआ है उन पॉइंट्स को आपको जॉइंट कर देना है, मिला देना है, तो वो जो लाइन आपको मिलेगी, लाइन जो क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इज द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्फ। ओके, आयन फाइलिंग्स जो भी यहाँ पे स्प्रेड की गई है उन सभी को आपको ज्वाइन करना है, तो ये जिस पॉइंट पर अलाइन करती हैं उसी पॉइंट को, उन्हीं लाइन को क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, अभी आपने पहले देखा है आयन फाइलिंग्स को, आपने डॉट डॉट के थ्रू देखा था, अब उन डॉट्स को आपने ज्वाइंट कर दिया, तो इस तरह से आपको लाइन्स प्रेजेंट होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? तो डायरेक्शन जो मैग्नेट की होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, मींस मैग्नेटिक लाइंस जो है हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर होती हैं, ये है आउटवर्ड। बट इनवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये साउथ से इनवर्ड नॉर्थ पे गई और नॉर्थ से वापस आउटवर्ड में साउथ पे आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक क्लोज्ड लूप क्रिएट करती है, और ये जो क्लोज्ड लूप है इसी के कारण मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। ओके, यही कारण है कि मैग्नेटिक पोल्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व वही मैंने बताया आपको, डायरेक्शन में ही इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। तो सिंपली अगर आप बात करें तो स्ट्रेंथ, मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मैग्नेट का, पोल्स पर। जैसे जैसे आप पोल्स से दूर जाएंगे या मैग्नेट से दूर जाएंगे उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होगा। ओके, तो जो ट्रेंथ
स्ट्रोंगेस्ट है या स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगर आप टू लाइंस को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा दें, ओके, ये क्या किया, इंटरेक्ट करवा दिया, इंटरसेक्शन करवा दिया, और अब आप बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक कंपास जो हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो क्या होगा कि वो एक टेंजेंट शो करेगा और वो टेंजेंट ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उसके इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिक कंपास रखा तो क्या होगा, ये डायरेक्शन जो है टेंजेंट की, ये टू डायरेक्शन शो करेगा और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देर इज नथिंग पॉसिबल द टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आपके टू लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात। ये प्रॉपर्टीज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओस्टेड इफेक्ट। ओस्टेड इफेक्ट स्टार्ट करने के पहले देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में जो स्टडी किया था दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। आपने बल्ब का एग्जाम्पल लिया था। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ओस्टेड ने अपने इफेक्ट में क्या किया है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में सप्लाई किया और वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ओके, ओस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट, ये इफेक्ट जो है वो एक्सीडेंटली किया था और उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन बताया है और वो किस तरह से है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक कॉपर वायर या मेटेलिक वायर आप ले सकते हैं, कॉपर इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए हमने कॉपर यूज़ किया है। एक कॉपर वायर लेते हैं एक्स वाई, ओके, और उस वायर को पॉइंट एक्स और वाई पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है, एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है, बैटरी है, ओके, एंड देन की है, एंड यस एक प्लेन पेपर है और वो परपेंडिकुलर लगा हुआ है एक्स वाई वायर पर। ओके, वो इस तरह से लगा हुआ है कि जैसे ये पेपर है आपका एंड दिस इज द कॉपर वायर। ओके, अब क्या किया हमने, इस कॉपर वायर के पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में क्या शो करता है, उसमें एक नीडल रहती है, बार मैग्नेट रहता है, वो शो करता है डायरेक्शंस को। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया उन्होंने, प्लग में की इंसर्ट की, देन इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू पास आउट हुआ। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट एक्स और वाई वायर के थ्रू पास आउट होने लगा तब क्या होता है कि ये नीडल को आप ऑब्जर्व करते हैं और नीडल में डिफ्लेक्शन शो होता है, नीडल में डिफ्लेक्शन शो होता है। जैसे ही आपने प्लग को रिमूव किया, मीन्स इलेक्ट्रिक का सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो नीडल है, जो पहले वाली कंडीशन है स्टैटिक पोजीशन उसकी, वो वापस पहले वाली कंडीशन पे आ जाता है और वो स्टैटिक पोजीशन में ले लेता है। फिर से आपने प्लग में की इंसर्ट किया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हुआ और फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन है ये शो इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई है, इसीलिए ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ओके,
उन्होंने ये देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वर्क करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न एंड फाइबर ऑप्टिक्स में भी इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ होता है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो आपके जो इस चैप्टर में हमने जो स्टार्टिंग किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं आज, वो हमने डिस्कस किए। और इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए हम अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनका वेटेज क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ओके, सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं कि अगर आप एक बार मैग्नेट रखें और उसके पास कंपास नीडल रखें, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है? एक स्मॉल कंपास रखें तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, उसका नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है? तो सिंपली आपने एक बार मैग्नेट लिया है, ओके, और उसके पास एक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कंपास नीडल जो है वो खुद एक स्मॉल बार मैग्नेट है। ये जो नीडल है वो खुद स्मॉल बार मैग्नेट है। और आपको पता है कि अगर मैग्नेट के अराउंड कोई भी अदर मैग्नेटिक मटीरियल हो या मैग्नेट हो, तो वो उस पर फोर्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भी आपका बार मैग्नेट है, तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेट के थ्रू ये जो नीडल है, इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसी के कारण ये जो डिफ्लेक्शन है ये शो होता है। ओके, तो जनरली ये 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चंस, और इससे आप किस तरह से लिखेंगे आंसर में कि कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट एंड व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट क्लोज टू द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट, सो द डिफ्लेक्शन विल ऑकर। ओके, बस इतना ही आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में आता है जनरली। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, मीन्स बार मैग्नेट के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो सिंपली अगर आप ये बार मैग्नेट ले लिया आपने और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्रिएट कर दिया, और उनकी डायरेक्शन, ये जो एरो है, एरो हेड, वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड एंड टू एस, नॉर्थ टू साउथ होता है, एंड इनवर्ड इज साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ओके, दे आर क्रिएटेड अ क्लोज्ड लूप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, आज सारे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो लिस्ट आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो हमने जस्ट पहले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, बस उन्हीं को रिवाइज करना है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन क्या होती है? सो नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है, विच इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन आउटवर्ड। ओके, एंड इनवर्ड इज साउथ टू नॉर्थ। ओके, एंड यस, साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ, सो कंप्लीट द क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप पूरा कंप्लीट करती है, और इसीलिए वो सेपरेट नहीं हो सकती। सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से बताएंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जनरली आपने देखा होगा कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सो स्ट्रेंथ पोल पर सबसे ज़्यादा होगी। ओके सो ये अगर आपने एक डायग्राम के थ्रू अगर इस क्वेश्चन को समझाना है तो इस तरह से आप क्रिएट कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे पोल्स पर सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो किस चीज़ पर करती है, डिस्टेंस पर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। स्ट्रेंथ इन द सेंस मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है खुद का जितना पावर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड लास्ट इज इंटरसेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है इंटरसेक्शन। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखें तो ये टू डायरेक्शंस शो करेगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता टू डायरेक्शंस। ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो भी इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके तो इसका आंसर आपको ऐसे ही करना है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शंस एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ओके सो ये क्वेश्चन फोर्थ थर्ड कंप्लीट हो चुका है। ओके आई होप आपको इस चैप्टर के जो इनिशियली स्टार्ट हुआ है उसके जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें हम स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।